यूपी के सुल्तानपुर में दिल्ली के निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है। यहां एक चलती बस में किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बस को रोककर तलाशी ली। बस में पीड़िता के साथ चालक खलासी समेत 3 लोग मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं एक अन्य आरोपी भाग निकला जिसकी तलाश जारी है। सोमवार देर रात 1:30 बजे कूड़ेभार थाना अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह कूड़ेभार कस्बा चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी सेमरी रोड की ओर से एक प्राइवेट लग्जरी बस आ रही थी। पुलिस ने जब बस रोक कर तलाशी ली तो उसके होश उड़ गए। बस की पिछली सीट के नीचे एक किशोरी बदहवास हालत में थी। वहीं पास में ही एक अन्य युवती अपने 10 वर्षीय भाई के साथ थी। पुलिस ने तुरंत चालक हरिमंगल यादव व खलासी कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता व अन्य युवती और बच्चों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस थाने पहुंची। किशोरी ने बताया कि उसकी सौतेली बहन ने दवा दिलाने का बहाना बताकर उसे रात 11 बजे घर से बुलाया था, जिसके बाद बस में बैठकर वो उसे शिव पूजन के घर ले गई, जहां शिव पूजन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को दोबारा बस में लाया गया, जहां बस में शिव पूजन और हरिमंगल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के आला अधिकारी मामले की जानकारी होते ही थाने पहुंच गए। मामले में पुलिस ने हरिमंगल और साथ देने के आरोप में कुलदीप व किशोरी की सौतेली बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही जिस बस में दुष्कर्म किया गया उसको सीज कर दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंगरेप में शामिल शिवपूजन सिंह फरार चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है।